नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीएमआर भारत टीवी से, और आज हम पहुंचे हैं नीमच के ग्राम पंचायत चंपी में, और चंपी से यहां से सरपंच के दावेदार महेंद्र जी गुज्जर हमारे बीच में हैं। बात करेंगे कि कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर वो जनता से मिल रहे हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार महेंद्र जी, बात करें आपके राजनीति करियर की, तो पहले राजनीति करियर में पहले भी जनता का आशीर्वाद मिला है और मिलेगा। 10 साल का अनुभव ही है। 10 साल 2001 से 2010 तक हम लगातार बने रहे जनता का आशीर्वाद से। पानी की सुविधा की, स्ट्रीट लाइट की सुविधा की, इंदिरा आवास योजना के मकान दिए, नाली खरंजा था उसी समय, नाली खरंजा किया। आज मानते हैं राशि ज़्यादा आ रही है, RCC हो रहे हैं, नाले का निर्माण हो रहा है, तो समय के हिसाब से परिवर्तन है। और 10 सालों के कार्यकाल में यहाँ ग्राम पंचायत चंपी में मेरे 3 गांव लगते थे, अन्या मानगीर, चंपी, बरखेड़ा, हाड़ा। या 2001 में 2000 में सन में पहले चुनाव में ये स्थिति थी श्रीमान, कि यहाँ पीने का पानी नहीं था। अच्छा, पीने का पानी नहीं था। हमने जैसे ही हमारा आया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनता ने पहली बार चुनाव में चंपी में मैंने ट्यूबवेल लगवाई। इतना पानी अथा मिला देवनारायण की कृपा से कि 3 महीने 7 अप्रैल को मैंने नल जल योजना का शुभारंभ कर दिया। फिर बात रही बरखेड़ा हाड़ा की, वहाँ से विधायक राशि प्लस शासन की योजना के अंतर्गत कुछ पंचायत की राशि से मिला के चंपी से बरखेड़ा हाड़ा तक पानी पहुँचाया, करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अच्छा। फिर भी हमारे मतदाताओं ने बताया ये ट्यूबवेल का पानी है, सरपंच साहब मोहला है, पीने के लायक योग्य नहीं है। हमने राज्यसभा सांसद बाल कवि बैरागी के पास गए, दादा को यह स्थिति बताई, पीने का पानी मीठा नहीं है, पानी तो पर्याप्त है पर मीठा नहीं है। राज्यसभा निधि से हमको 1 लाख रुपया दादा ने दिया, वो आज कुआ है या तालाब के पास, उसमें पर्याप्त पानी है। लाइन PHG ने भी डाली है, पंचायत ने डाली है, आज 90 के पानी लाइन डली हुई है। वहाँ से आके यहाँ स्टॉक होता अपनी कुड़ी में, और वहाँ से नल जल योजना आज भी चालू है। महेंद्र जी, गुजर 2001 से 2010 आप लगातार ग्राम पंचायत में सेवा दी, आपने बहुत बड़े बड़े अपने विकास के लिए अपने काम भी किया, तो 2010 की बाद में अपने बात करेगी, 2010 से लेकर 2022 इस बीच आप जनता के बीच में कैसे रहे? 2010 के बाद जैसे हमारी पंचायत अनुसूचित जाति के अंतर्गत गई है, जैसा भी चुना विकास ना हुआ, तीसरी बार में सामान्य में आई, हम भी उम्मीदवार थे पर ठीक है, दिलीप सिंह जी राठौड़ करके चंपी से बने हैं, उन्होंने भी अच्छा विकास कार्य किया है। और आज फिर जब हम उतरे, आज अपनी पंचायत चंपी पिछड़ा वर्ग मुक्त है, उसमें 10 दिन से 15 दिन से लगातार प्रयास किया, जनता के बीच में गए, गांव-गांव गए, मतदाताओं से पूछा कि आपसे मेरे से अच्छा कोई अनुभवी उम्मीदवार हो तो आप उसको फार्म भरवाइए, विकास का समय है, ये विकास योजना बहुत है, केवल करने वाला चाहिए। तो इसलिए मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है 3 ही 4 ही गाँवों ने, और अपने उन्हें आवेदन किया है, चौथे नंबर पे हेडपम्प का निशान आया है, और आशीर्वाद पूरा मिलेगा, ये मेरे को देवनारायण की कृपा है। जनता अगर आपको यहाँ से चंपी से जिताती है, एक बार फिर आप पर साबित होती है कि आपको सरपंच बनाती है, सरताज बनाती है, तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी लग रही है जिसे आप हल करना चाहोगे? सबसे बड़ी समस्या है, आज से 3 महीने पहले 3 अप्रैल में एक गांव कोटड़ी करके, काली कोटड़ी जो डूब में गया, हमेरा डैम बना है शासन की योजना के अंतर्गत, उस गांव की ये हालत है कि पहली बार जुड़ा अपने यहाँ अपनी पंचायत में, पहले 3 गांव थे, उसमें करीब करीब अच्छी व्यवस्था कर दी है, और भी उन लोगों के जैसी जनता मांगेगी वैसा उनका सहयोग करके, और विकास में हम पीछे नहीं रहेंगे। केवल एक कोटड़ी जो गांव जुड़ा है उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है, राजपूत भाई भी है हमारे, गायदी समाज है, मेघवाल है, अपने नायक है, देखा हमने 15 दिन से मैं दौरा कर रहा हूँ काली कोटड़ी का, वहाँ कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। आज भी उन लोगों को कहा कि आप एक बार आशीर्वाद दोगे तो अगले इन 5 सालों के बीच में अपन हिल मिल के सभी राजनीति से लाएंगे, कि सांसद निधि भी लाएंगे, विधायक भी लाएंगे, नरेगा का पैसा भी लगाएंगे, पर आपके काम में कोई 5 सालों में ऐसी काम की कमी नहीं रहेगी जो ताकि मेरे ऊपर उंगली उठे। महेंद्र जी, बात करें पंचायती राज की, बात करें पंचायती राज में बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी आती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुंचेगी अगर आप यहां से सरपंच बनते हो तो? ये योजना केंद्र की लागू है, राज्य की है,
बहुत अच्छी योजना है, इनको चालू करने वाला प्रतिनिधि अभी तक इस पंचायत में नहीं आया है। हम थे 10 साल तक थे, जो योजना थी हमने जैसे बताया आपको, इंदिरा आवास भी दिया, राशन कार्ड भी बनाए, बीपीएल परिवार के पात्रता पर्ची के मान से हमने इंदिरा आवास दिए। उस समय केवल 20,000-25,000 के इंदिरा आवास थे, आज 1.5 लाख का इंदिरा आवास है। केंद्र और राज्य की योजना गांव-गांव घर-घर जाके, अगर मेरे को जनता ये एक मौका और देती है तो उनको घर-घर जाके समझा के योजना का लाभ दिलाऊंगा। चंपी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का सत्र यहाँ किस तरह का है, क्योंकि बहुत से ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो शिक्षा का सत्र बड़ा ही दयनीय है। कहीं तो सरकारी बिल्डिंग है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो सरकारी बिल्डिंग नहीं है, अगर दोनों चीज़ें हैं तो स्टाफ की कमी है। तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का सत्र किस तरह है? अपने 3 गांव आज तक जुड़े हुए थे, अन्या मानगी, चंपी, बरखेड़ा, काली कोठड़ी अब जुड़ी है, और शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है। शिक्षक आते हैं समय पर पंचायत में, जब तक 2010 तक था मैं, बराबर जाते थे, उनको टेकल कर लेते थे, मीटिंग करते थे कि बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, समय पर आओ, साफ़ सुथरा रखो, इनकी छात्रवृत्ति दिलाना, किताबें दिलाना। 10 सालों में अच्छी अपनों ने मदद करी है। आज जो चल रहा है शिक्षा का, वो अपने कि सरपंच के पास कितनी शिक्षा होनी चाहिए? कम से कम शिक्षा के मान से मानो तो आप मिडिल यानी कि 8वीं पास होना किसी भी उम्मीदवार का बहुत ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित होगा तो वो आगे भी शिक्षित करेगा, योजना को समझेगा, पैसा लाने में दिक्कत नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आदिवासी सीट हो जाती है, चाहे अनुसूचित हो जाती है, शिक्षित न होता है तो उसमें क्या करते हैं ये मंत्री लोग, बिल वाउचर डाल के पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए शिक्षक तो होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव तो ज़रूरी है, अनुभव बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। तो बात करें अपने युवा वर्ग की, युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, या फिर कोई ग्राम पंचायत में ऐसी कोई सुविधा जो है खेल स्टेडियम के लिए, कोई प्रयास आपका? अपना प्रयास रहेगा, युवा जो पहले वाले हो गया, पर अब जो युवा है 18 साल से ऊपर, उनको नशे की तरफ नहीं जाने देंगे। उनको गाँव-गाँव में जैसे कोई दारू बिक्री हो रही है या हो रही है, जो भी नशा पदार्थी चीज़ बिक्री है, उस पर अपन रोक लगाएंगे सबके सहयोग से। वहाँ का पटेल होता है गाँव का, चौकीदार होता है, पटवारी होता है, इनको बुला के बताएंगे, हर मंगलवार को जन सुनवाई करेंगे कि किसी की क्या समस्या है, और ये जो नशा वाली बात है इसको बराबर मुक्त करने का हमारा बिल्कुल प्रावधान रहेगा। सर, सीनियर सिटीजन की भी बात करेंगे, सीनियर सिटीजन किसी कागजों के अभाव के चलते उन्हें वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसी कोई समस्या आपके ग्राम पंचायत में आई है? क्योंकि आप भी अब ग्राम पंचायत में जा रहे हो, बुज़ुर्गों से भी मिल रहे हो, तो बुज़ुर्गों ने इस तरह की कोई समस्या रखी है? ऐसी समस्या नहीं, अब जो काम होगा, जो श्रीमान वो हो गया ऑनलाइन, तो करीब करीब गड़बड़ी का जहाँ तक मेरा ख्याल है कि संभावना बहुत कम रहेगी ऑनलाइन होने के बाद। उसके पहले बिल हाथ से डाल देते थे, माल गिरा नहीं है, सचिव सरपंच पैसा निकाल लेते थे, काम अधूरे पड़े रहते थे। वो कई जगह आज भी हालत है, कई जगह सरपंचों को अभी रिकवरी भी आई है, अपने इधर भी आई है, अपने नीमच में भी आई है, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता को बताओ ये पैसा आया है किस काम में लेना, ठहराव प्रस्ताव कराओ, ग्राम सभा में अनुमोदन करो, उसका एस्टीमेट बनता है, फिर उसकी ESTS जारी होती है। इसमें बिना अनुभव का सरपंच सक्सेस नहीं होता है। सर, पूरे नीमच क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश की अपने बात करेंगे तो बहुत सी जगह हम देखने को मिलता है कि पंचायती राज चुनावों के अंदर पैसों का प्रलोभन दे दिया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को क्या कहना चाहोगे जो पैसों का प्रलोभन देते हैं? अपना ये कहना है, अगर आप साफ़ सुथरे हो, काम करोगे, विकास करोगे, उनके बीच में जाइए, उनको दारू पानी पैसा का लालच मत दीजिए, उनको समझाइए। अगर आपका एक मत हमको आगे लाता है तो आपके विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो पैसा दे के जीत जाएगा वो अपना घर बनाएगा, वो विकास नहीं कर सकता। सर, आखिर में ग्राम पंचायत चंपी की जनता को क्या कहना चाहोगे? आखिर में जनता से ये आशीर्वाद है, उनके सहयोग से मार्गदर्शन में सबसे आशीर्वाद लेके बड़ों बुज़ुर्गों का हमने आवेदन किया है, और आवेदन भी सक्सेस हो गया है, 4th नंबर पे हेडपम्प का निशान है, और मतदाताओं का पूरा भरपूर सहयोग है, सफल बनाएंगे। तो ये थे यहाँ से ग्राम पंचायत चंपी से सरपंच दावेदार महेंद्र जी गुज्जर। इनका कहना है कि अगर चंपी की ग्राम पंचायत की जनता अगर हमें यहाँ से फिर से सरपंच बनाती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होगी वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचाई जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, देखते रहिए BMR भारती।